कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। न्यू रेसिपी बताने से पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे इसी तरीके से टेस्टी रेसिपीज को देखने के लिए। और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज हम बना रहे हैं बासी चावल का ऐसा नाश्ता जो आप बार बार बनाएंगे और बार बार आपको खाने का मन करेगा फ्रेंड। तो चलिए देरी नहीं करते और बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है देखिए यहाँ पे आधा बाउल चावल जो हमारे यहाँ पे रात के चावल है। यहाँ मैंने लिया है 3-4 चम्मच साबूदाना जिसको धो के मैंने अच्छे से रख लिया है बाउल में। यहाँ लिया है 4-5 चम्मच मैंने सूजी जिसको मैंने छोटे से बाउल में रख लिया है। यहाँ लिया है 1 प्याज जिसको धो के हमने अच्छे से काट के रख लिया है। यहाँ लिया हमने थोड़ा सा धनिया जिसको धो के हमने रख लिया है यहाँ पे। और यहाँ लिया है 1 आलू जो हमने बॉईल किया है, बॉईल आलू रखा है हमने। यहाँ लिया है 2 हरी मिर्च जिसको धो के अच्छे से काट के रख लिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम सब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे बासी चावल जो हमें ग्राइंड करना है। तो जार हमने ले लिया है, तो चलिए बासी चावल जार में डाल देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे साबूदाना जो है वो भी हम जार में डाल लेंगे। सबको हमें एक साथ ग्राइंड करना है, एक साथ हमें पीसना है सबको। और इसी तरीके से जो हमारा आलू जो हमने उबाल रखा है आलू भी हम साथ में जार में रख देंगे क्योंकि हम इसको भी ग्राइंड कर रहे हैं। हमने आलू को भी यहाँ पे तोड़ के अच्छे से रख दिया है जार में। तो चलिए थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा इजी होगा ग्राइंड करने में, अच्छे से पिस जाएगा हमारा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे जार को कवर कर रही हूँ और ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए हमने सारे बैटर को बाउल में डाल लिया है और मिला भी लिया है। तो चलिए अब हम ऐड करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने 1-2-3 चम्मच जो हमने यहाँ सूजी लिया था तो सूजी डाल देते हैं। इसी तरीके से अब मैं धनिया पत्ता डाल दूंगी जो हमने यहाँ पे धो के अच्छे से काट के रख लिया था। और इसी तरीके से हमने जो प्याज काट के रखा था फ्रेंड्स प्याज भी डाल देंगे। और मिर्ची जो हमने काटा हुआ था हम मिर्ची भी डाल देंगे। यहाँ पे हम अपने सूखे मसाले थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मैंने लिया 1 चम्मच आमचूर पाउडर और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और दोनों को अच्छे से मसालों के साथ हमने जो यहाँ पे प्याज मिर्च जो सब कुछ है हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब डालेंगे यहाँ पे अपने रूटीन वाले जो हमारे साबुत मसाले हैं जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच आपका मिर्च। आप अपने स्वाद अनुसार लें मिर्च, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा लें आप। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1/2 चम्मच आपका धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच सौंठ पाउडर। आपका ये पाउडर में भी आता है अदरक का, आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है स्वाद अनुसार। तो चलिए सारे मसालों के साथ हम अपने इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से आपको बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे हाथ से भी गूंद सकते हैं फ्रेंड्स। और अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, अंदाजे में ही मैं पानी ले रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप ग्लास से 1/2 ग्लास आप ले लें मेजरमेंट में। और थोड़ा ध्यान से ही लें क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें कि कहीं आपका बैटर ज़्यादा गीला तो नहीं हो रहा है। जैसे आप आटा गूंथते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा उसी टाइप से आपको कोई भी बैटर में पानी डालने में आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान देना है कि पानी का मेजरमेंट सही रहना चाहिए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा डाला था फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी की और ज़रूरत है तो मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड कर लिया। तो इस तरीके से बैटर को आपको अच्छे से स्मूथ कर लेना है, ना ज़्यादा गीला और ना ज़्यादा आपको ड्राई होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आपके बैटर की बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे 5
5 से 10 मिनट हो चुके हैं और हम देख लेते हैं अपने बैटर को कवर हटा के। और आप देखिए हमारा बैटर अच्छे से फूल के अच्छे से रेडी हो चुका है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर, ऑयल गर्म हो गया है तो चलिए हम यहाँ पे 1 चम्मच टीस्पून से मैं राई ले रही हूँ और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 1 चम्मच हींग। और अब मैं डाल दूंगी इसमें कड़ी पत्ता जो हमने यहाँ पे तोड़ के देखिए अच्छे से धो के हमने रख लिया था। यहाँ पे देखिए हमने जब बेकिंग सोडा मिलाया था तो थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। और आप यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ कीजिए या आप मीठा सोडा यूज़ कीजिए या आप इनो यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, आप तभी इनको डालें जब आप ये बैटर मिला रहे हो तभी आपको डालना है, उसको पहले से आपको नहीं डालना है फ्रेंड्स। तीनों में से कोई भी आप इनो या मीठा सोडा या आपका इसमें बेकिंग पाउडर, तो ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस तरीके से हमने देखिए बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए आगे पैन भी गर्म हो गया और हमने ग्रीस भी कर दिया है ऑयल से। तो चलिए अब हम यहाँ पे फटाफट बैटर को 1-1 चम्मच लेके हमें सबको अच्छे से फिल कर देना है जो हमारा सांचा बना हुआ है उसमें। आप देख सकते हैं हमारे इसमें 12 सांचा बना हुआ है तो हम 12 सांचों में अच्छे से 1-1 स्पून लेके अच्छे से फिल कर देंगे सबको। तो चलिए इस तरीके से मैं सबको अच्छे से फिल कर, इस तरीके से मैंने अच्छे से सबको बैटर मैंने यहाँ पे डाल लिया है सांचे में। और चलिए अब हम 5 मिनट के लिए पका लेते हैं और मैं इसको कवर कर दे रही हूँ जिससे अच्छे से ही हमारा कवर हटा लेती हूँ। 5 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया देखिए पक गए हैं। और इस तरीके से हम इसको पलट देते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा बैटर इतने अच्छे से हमारा यहाँ पे पक चुका है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेट में सबको निकाल लिया है। मैंने दोबारा गैस ऑन करके मैंने फिर से हमारे जितने बैटर बचे हुए थे हम सबको फिर से उसी तरीके से बना लेते हैं अच्छे से। एक एक कांचे में अच्छे से आपको बैटर रखना है और दोनों तरफ से लेयर हमें अच्छे से पका लेना है। तो चलिए हम इनको भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं पका। फाइनली हमारा बासी चावल का नाश्ता बनके तैयार हो गया है, मैंने प्लेट में सर्व कर लिया। आप देख रहे हैं कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। और देखिए बासी चावल हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और आप देख रहे हैं कि कितना टेस्टी हमारा नाश्ता बना है। तो कभी भी आपको अगर सुबह का नाश्ता समझ नहीं आ रहा क्या बनाएं तो अगर बासी चावल पड़े तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और बनाएं। कैसा बना है ज़रूर मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पर बताएं आप। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड में। और अगर आपको चैनल भी अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आ सके फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से टेस्टी टेस्टी रेसिपीज लेके आती रहूँगी। अब मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।